डियर स्टूडेंट, आज हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। उसको कनेक्शन कैसे करेंगे, अभी हमारे पास दो है, एनपीएन भी है और पीएनपी भी है, ठीक है। तो पीएनपी को अभी हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एनपीएन से मतलब है, तो इसका कैसे कनेक्शन करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, वोल्ट मीटर के दोनों साइड जो वोल्ट मीटर है उसका पॉजिटिव बैटरी के दोनों जो पॉजिटिव है उससे कनेक्ट करेंगे। वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव, एज इट इज सेम इस साइड भी वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव, ठीक। दूसरा, वोल्टमीटर का नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव। सिमिलरली इधर भी, ठीक है, वोल्टमीटर कनेक्ट हो गया हमारा दोनों साइड से, ठीक। अब एमीटर कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, एज इट इज सेम इस साइड भी एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, इस वाले एमीटर का नेगेटिव बेस से कनेक्ट करते हैं और इस वाले एमीटर का नेगेटिव कलेक्टर से कनेक्ट करते हैं, ठीक। अभी हमारे पास जो बचा है वो लास्ट है एमीटर, तो हम कॉमन एमीटर के लिए बात कर रहे हैं। तो कॉमन एमीटर में क्या होगा, एमीटर को हम कॉमन करेंगे तो इस वाली बैटरी का नेगेटिव कॉमन एमीटर के लिए एमीटर से कनेक्ट करेंगे और एज इट इज सेम एमीटर को सेकेंड वाली बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट होता है। ये किसके लिए है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक।